मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में ड्रग्स के शिकार हो चुके लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र का ई लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रग्स और नशे का कारोबार पनपने नहीं दिया जाएगा, इस काले धंधे को नस्ते नाबूद किया जाएगा। शिवराज ने इंदौर में ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संतोष जताया है और वरिष्ठ अधिकारियों को साफ लहजे में कहा है कि ड्रग्स का काला धंधा करने वालों को जड़ से समाप्त करें। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि आज से इंदौर में प्रारंभ किए जा रहे हैं ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर। ड्रग री एडिक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत हुआ है। इस कार्यक्रम को केंद्र एम्स और क्षेत्रीय केंद्र KEM मुंबई के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से निशुल्क आवश्यक दवाएं तथा समुदाय की आवश्यकता के लिए मनोवैज्ञानिक उपाय किए जाएंगे। वर्तमान में ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में 10 बेड युक्त वार्ड का शुभारंभ किया गया है, जिसे एक माह में 50 बेड तक विस्तृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त सेवा उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल यूनिट प्रारंभ की जा रही है। इस चलित नशा मुक्ति केंद्र में मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ भी उपलब्ध रहेगा। एनजीओ द्वारा संचालित अंकुर नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र राउ में नशा मुक्ति हेतु आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जा रहा है। चिटफंड माफिया, नशे के कारोबारी मध्य प्रदेश में कोई छोड़े नहीं जाए, मिलावट के से मुक्ति का अभियान चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश का। अब मिलावट के नाम पर जो जहर बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है, इनको हम नाबूद करेंगे। लेकिन सबसे सीरियस मैं मानता हूँ ड्रग माफिया। मैं इंदौर पुलिस को भी प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूँ। अभी हम बांग्लादेशी बच्चियाँ आती लाई जाती ड्रग्स का शिकार बनाया जाता, आदत लगाई जाती, बाद में देह व्यापार में धकेला जाता। यहाँ ऐसी 21 बच्चियाँ रेस्क्यू करके उनके जाल से बचाई है और जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया। जब आरोपियों को गिरफ्तार किया तो ये पता चला कि ये केवल देह व्यापार नहीं, ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग इसमें शामिल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।